हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट टेस्ट DRB में। आज हम आपके लिए विलोम शब्द लेकर आए हैं जो हिंदी में बहुत महत्वपूर्ण है। दो नंबर तो कहीं गया नहीं है हिंदी का, क्योंकि विलोम शब्द पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, आलोक का विलोम है। आलोक शब्द का विलोम है क्या है? पहला ऑप्शन दिया है अद्भुत, दूसरा अज्ञात, तीसरा अंधकार और चौथा रात्र। तो आलोक का विलोम शब्द क्या है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा अंधकार। अगला क्वेश्चन है, ज्येष्ठ का विलोम शब्द है। ज्येष्ठ का विलोम शब्द है, पहला ऑप्शन दिया है कनिष्ठ, दूसरा पूर्व, तीसरा भूत और चौथा अगज। तो ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कनिष्ठ, ये हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, अस्थावर का विलोम शब्द है। तो पहला ऑप्शन दिया है सचल, दूसरा चंचल, तीसरा है चेतन और चौथा है जंगम। तो स्थावर का विलोम क्या होता है? जंगम, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। स्थावर का विलोम जंगम। चौथा ऑप्शन हमारा, चौथा क्वेश्चन है, गगन का विलोम शब्द है। गमन का विलोम शब्द है, ये गमन है, गमन का विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन दिया है जाना, दूसरा उतरना, तीसरा आगमन और चौथा चढ़ना। तो हमारा इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? आगमन। अगला क्वेश्चन है, मौन का विलोम शब्द है। मौन का विलोम शब्द है, तो मौन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पहला आपका दिया है मुखर, दूसरा मौखिक, तीसरा मयंक और चौथा विकार। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मुखर। मौन का विलोम शब्द मुखर हो जाएगा। अगला है, अभिज्ञ का विलोम। अभिज्ञ का विलोम, तो पहला ऑप्शन दिया है सर्वज्ञ, दूसरा अल्पज्ञ, तीसरा अनभिज्ञ और चौथा विज्ञ। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संपन्न का विलोम शब्द है। संपन्न का विलोम शब्द है, तो पहला ऑप्शन दिया है आसन्न, दूसरा विपन्न, तीसरा निष्पन्न और चौथा विसर्ण। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, संपन्न का विलोम विपन्न। अगला क्वेश्चन है, विस्तार का विलोम शब्द है। तो पहला हमारा दिया है लघु, पहला लघु दिया है, दूसरा छोटा दिया है, तीसरा सूक्ष्म दिया है और डी संक्षेप। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, विस्तार का विलोम संक्षेप। गरिमा का विलोम शब्द है। गरिमा का विलोम शब्द है, तो पहला ऑप्शन दिया है अंधकार, दूसरा लंगिमा, तीसरा घृणा और चौथा नीचता। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? गरिमा का विलोम लघिमा होता है, ऑप्शन बी। अगला है, मौखिक का विलोम शब्द है। मौखिक का विलोम शब्द है, पहला ऑप्शन दिया है लिखित, दूसरा दिया है कथित, तीसरा दिया है पठित और डी ऑप्शन दिया है अलिखित। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मौखिक का विलोम लिखित, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अनाथ का विलोम शब्द है। तो पहला ऑप्शन दिया है धनी, दूसरा है सनाथ, तीसरा निर्धन और चौथा बेकार। तो अनाथ का विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सनाथ। अनाथ का विलोम ऑप्शन बी, सनाथ, ये हमारा सही उत्तर है। अल्पज्ञ का विलोम शब्द है।
तो अल्पज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन दिया है अवज्ञ, दूसरा सर्वज्ञ, तीसरा अभिज्ञ और चौथा कृतज्ञ। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अल्पज्ञ का विलोम सर्वज्ञ। 13 नंबर है क्वेश्चन, सकारात्मक का विलोम है। तो बहुत आसान सा सवाल है, सकारात्मक का विलोम शब्द है पहला नकारात्मक, दूसरा आशात्मक, तीसरा संभावात्मक और चौथा निराशात्मक। तो हमारा सही आंसर वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, नकारात्मक। सकारात्मक का विलोम नकारात्मक। अगला क्वेश्चन है, सम्मुख का विलोम शब्द है। तो सम्मुख का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन दिया है उन्मुख, दूसरा विमुख, तीसरा प्रमुख और चौथा अधिमुख। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विमुख। सम्मुख का विलोम विमुख। अगला है अथ का विलोम शब्द है, अथ। तो पहला दिया है अंत, दूसरा दिया है इत, तीसरा आपका दिया है अर्थ और चौथा अध। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ऑप्शन बी, अथ का विलोम इत होता है। उर्वर का विलोम शब्द है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उर्वर का विलोम शब्द है। पहला दिया है उत्कृष्ट, दूसरा दिया है उत्तम, तीसरा दिया है ऊसर और चौथा दिया है अतिवृष्ट। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? उर्वर का विलोम शब्द ऊसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, थोक का विलोम है। थोक का विलोम शब्द है। तो पहला ऑप्शन दिया है परचून, दूसरा थाक, तीसरा थोया और डी दिया है पर्यायिक। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, थोक का विलोम परचून। अगला क्वेश्चन है, भूषण का विलोम शब्द है। तो भूषण का विलोम शब्द क्या है देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है विष्णु, दूसरा है भूषक, तीसरा है दूषण और चौथा दिया है भूषा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भूषण का दूषण। अगला क्वेश्चन है, अवनि का विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन दिया है आसमान, दूसरा दिया है आकाश, तीसरा दिया है अंबर, चौथा दिया है गगन। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अवनि का अंबर। अगला है, हे का विलोम शब्द है। हे का विलोम शब्द है। तो पहला ऑप्शन दिया है हास्य, दूसरा दिया है हार, तीसरा ऑप्शन दिया है ग्राम्य और चौथा दिया है ग्राह्य। तो हे का विलोम क्या हो जाएगा? ग्राह्य, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मृदुल का विलोम है। मृदुल का विलोम शब्द है। तो पहला ऑप्शन दिया है कठिन, दूसरा दिया है खराब, तीसरा दिया है रुच और चौथा दिया है कठोर। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रुच। रुच जो है मृदुल का विलोम शब्द रुच। कलुष का विलोम शब्द, कलुष का विलोम शब्द। पहला ऑप्शन दिया है पाप शून्य, दूसरा निष्पाप, तीसरा निष्कलुष और चौथा निष्करुण। तो कलुष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, निष्कलुष। अगला है, सन्यासी का विलोम है। सन्यासी का विलोम क्या होगा? तो पहला ऑप्शन दिया है राजा, दूसरा भोगी, तीसरा गृहस्थ और चौथा ब्रह्मचर्य। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गृहस्थ। सन्यासी का विलोम गृहस्थ। अगला क्वेश्चन है, श्री गणेश का विलोम है। श्री गणेश का विलोम है। तो पहला ऑप्शन दिया है श्री राधा, श्री दूसरा है विनाश, तीसरा है इत श्री और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? श्री गणेश का विलोम इत श्री, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, आकर्षण का विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन है आकृष्ट, दूसरा है
विकर्षण, तीसरा है अनाकर्षण और चौथा है पराकर्षण। तो आकर्षण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विकर्षण। अगला बस ये हमारा समाप्त हुआ। तो ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट विलोम शब्द थे, क्योंकि विलोम शब्द हिंदी में एक दो नंबर का जरूर पूछता है, तो इसलिए आप लोग वीडियो को एक दो बार अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए।